आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के भूगोल के पाठ 5 खनिज संसाधन चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग खनिज अयस्क खनिजों के प्रकार के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि खनिज होता क्या है। तो प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उनको खनिज कहते हैं। खनिज किसको कहते हैं? प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित संरचना होती है निश्चित आंतरिक संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे जो है कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जिनका निर्माण जो है विभिन्न तत्वों के मेल से हुआ है। इसमें 90% तत्वों को धातु और शेष तत्वों को अधातु कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति में खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक को धातु कहते हैं दूसरे को अधातु कहते हैं। अब देखते हैं इसका हम वर्गीकरण कैसे करेंगे। खनिज को दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं धात्विक खनिज मेटालिक मिनरल्स और दूसरे को कहते हैं अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक। अब जो है मेटालिक को धात्विक खनिज को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये है लोहा, लौह धातु में अलौह धातुएं, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, और बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातुएं। जबकि अधात्विक खनिज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे चट्टान,
रॉक्स, आधारित खनिज, और खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनको तीन वर्गों में बांट दिया गया। अभी हम लोगों ने खनिज का वर्गीकरण किया, खनिज को दो वर्गों में बांट दिया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है इसमें पहला जो प्रकार होता है वह लोहा होता है। लोहा एक अपने आप में धातु है। इसके बाद लौह धातु में जैसे मैंगनीज है, कोबाल्ट है, इसमें कुछ गुण लोहे जैसे पाए जाते हैं, निकेल है, अलौह धातुएं जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता यानी जिंक, ये अलौह धातुएं हैं, इसमें मैग्नेटिज्म नहीं पाया जाता है इसलिए इसको अलौह कहा जाता है। बहुमूल्य धातुओं में सोना है, प्लैटिनम है, चांदी है, ये बहुमूल्य धातुएं हैं। और धातु का एक और धात्विक खनिज एक प्रकार का और होता है अन्य, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, इनका उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जैसे हो गया यूरेनियम, थोरियम, ये ऐसे खनिज है जो परमाणु ऊर्जा बनाने में काम में आते हैं। और धात्विक खनिज जो है इसमें चट्टान है, चट्टानें विभिन्न प्रकार की जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, संगमरमर है, ये चट्टानें हैं, इनका उपयोग जो है हम लोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। इसके अलावे जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत पोटास आता है जिसका उपयोग जो है खाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले चट्टान, चट्टान किसको कहते हैं। चट्टान को अंग्रेजी में रॉक कहा जाता है, आर ओ सी के, रॉक बने चट्टान हो। पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ जो है बिखरे पड़े हैं, ठीक है, खनिजों के प्राकृतिक स्वरूप एवं समूह को चट्टान कहते हैं। खनिजों के प्राकृतिक स्वरूप एवं समूह को चट्टान कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट एक चट्टान है, संगमरमर चट्टान है,
बालू पत्थर चट्टान है, चट्टानों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो चट्टाने मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक को आग्नेय चट्टान कहते हैं, दूसरे को परतदार या अवसादी चट्टान कहते हैं, तीसरे को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चट्टाने मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक आग्नेय चट्टान, नंबर दो औषादी चट्टान, औषादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण परत दर परत होता है, ठीक है, और नंबर तीन रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो पृथ्वी के अंदर जो है पिघले हुए पदार्थ हैं जिसको मैग्मा कहा जाता है। जब ये पदार्थ किसी विवर्तनकारी घटना या ज्वालामुखी उद्गार के कारण बाहर आकर के जमा होती हैं, तो उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कभी कभी यह पृथ्वी के अंदर ही दरारों में जमकर ठोस रूप धारण कर लेती है, तो इसको भी आग्नेय आग्नेय आग से बना हुआ है, ठीक है। औषादी चट्टान, तो वैसी चट्टाने जो परत दर परत निर्मित होती उसको औषादी चट्टान कहते हैं। जैसे कोयला जो है औषादी चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, वैसी चट्टाने जो अत्यधिक ताप और दाब पर अपना रूप बदल लेती हैं। कौन सी चट्टाने? आग्नेय चट्टान या औषादी चट्टान। तो इस तरह के बने चट्टान को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? है, औषादी चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। और रूपांतरित चट्टान का उदाहरण संगमरमर हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखें, नोट कीजिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। खनिज एवं अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख देंगे धात्विक खनिज, और
और दूसरे तरफ लिखेंगे औधात्मिक खनिज। बारी बारी से दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, क्या अंतर होता है। धात्विक खनिज के तरफ एक नंबर देखते हैं, इनसे इनके विघलन से धातुएं प्राप्त होती है। दूसरा नंबर धात्विक खनिज में ये कठोर ठोस एवं चमकदार होते हैं। चमकीले होते हैं। नंबर तीन में लिखेंगे ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। वो आग्नेय चट्टान पहले प्रकार का चट्टान है। इनसे प्राप्त होने वाली धातुओं से धातुओं की चादरें एवं तार प्राप्त किए जाते हैं। अब अधात्विक खनिज को देखते हैं। जबकि अधात्विक खनिजों के विघलन से धातुएं प्राप्त नहीं होती है। जब मिलेगा तो अधातु मिलेगा। जबकि इन खनिजों में चमक नहीं होती है।
जबकि और हास्पिक खरीदे औषधि चट्टानों में पाई जाती हैं। बात नहीं। और चौथा पॉइंट लिखेंगे जबकि इन खनिजों से चादरें एवं ताप नहीं प्राप्त हो सकते। ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर है, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले क्लास में जो है लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।